हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है जुन्नी, मैं हूं असद। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं आप लोग कैसे हैं। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, पवनदीप की वीडियो है, इंडियन आइडल के स्टार हैं और हम उनकी एक वीडियो लेके आए हैं। और फनी सीन है, अरुणिता का और पवनदीप का बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो ले आप लोग की रिक्वेस्ट पे। आपके बंदे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आदमी कर देना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजे की होगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। सो हियर वी गो गो एक्साइटमेंट के सम्राट पवनु हाजिर। पवनु निकनेम बहुत अच्छा, पवनु पवनु। जब आज से 10 साल बाद इनकी बीवी आकर इनसे कही, मैं तुम्हारे बच्चे पवनु की माँ बन पवनु पवनु तो देखिए ये कैसे रिएक्ट करें। हाँ कैसे मतलब ये रिएक्ट नहीं करता ना। उन्होंने एक बात साबित कर दी कि प्यार अंधा होता है। इतना भी नहीं होता कि और आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बीवी को स्टबल बहुत सूट करता है। क्यूट बीवी। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों में जीरो रहे जिनके एक्सप्रेशन प्रकृति गोद से आया, प्रकृति का साजन पवनदीप राजन और इनके साथ आ रही है टोटल आंटी टीनेजर की खाल एके 18 और अनीता कांजी लाल। रोमांस स्पेशल। पवनु जी सर। यार तुम इतने बड़े बड़े भूचाल आ जाते हैं, अच्छे अच्छों के एक्सप्रेशन निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन क्यों नहीं निकलते यार? सर करता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं चलता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा एचआर चैलेंज होने वाला है और आदि आई प्रॉमिस यू कि आज पवनु का एक्सप्रेशन निकलेगा और ऐसा निकलेगा कि दुनिया देखेगी। जी सर। तो अरुणिता तुम एक काम करो, पवनु की आंखों पर पट्टी बांधो। वाओ ये हुई ना बात, कितनी स्वीट जोड़ी है जो आने वाली। कौन आया? कौन है? अरुणिता हमने 5 मिनट पहले आपको बोला था कि पवनदीप को छोड़ दो, ये क्या बात है, हमें शो आगे बढ़ाना है। एक्सप्रेशन निकले भाई, कौन है सिस्टर है शायद। सर रिएक्ट किया। ये है कौन? मेरी छोटी बहन है। ओ सांसे मेरे अब बेफिक्र है। ये आवाज म्यूटेड है शायद। मैं आपको बता दूं कि पवनदीप अपनी बहनों को 6 महीनों बाद मिले, आधे साल के बाद इनकी मुलाकात हो रही है, तो क्यों ना एक्सप्रेशन चेंज हो। ये कौन है? ये भी सिंगर है जो बैठी हुई है। कहाँ पे? अभी जो आई थी। ये देखते हैं। ये दोनों बहुत डरती हैं मुझसे। आज इतने करीब हैं, बढ़िया अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू इंडियन आइडल। ये एक्सपेक्ट ही नहीं था, मतलब अब एक्सप्रेशन बहुत चीजें ऐसे मैं ना गेस एक्सप्रेसिव हो रहा है, पर ये तो गेस के भी बाहर था। अरे वाह, मुझे लगता है ट्रेंड है ये पहनने का। हाँ उनके गांव में होगा। ये चांदनी है। हाय चांदनी। और ये ज्योति। हाय ज्योति, आपसे हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। तो ज्योति जी, पवनदीप तो वैसे भी बहुत बात करते हैं शो पे, प्लीज आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आता तो मैं अरे तो आपने 10 सेकंड में जितने दे दिए उन्होंने पूरे शो में दे दिए। आज जो है रोमांस स्पेशल। हाँ और हमारे पवनु की आवाज इतनी रोमांटिक है, तो आप दोनों को हमारे पवनु के लिए किस तरह की लड़की चाहिए? अरुणिता जैसी। आप यहाँ क्यों देख रही हैं? हमें बहुत सुंदर लड़की चाहिए। अच्छा सुंदर लड़की चाहिए और बहुत अच्छा गाती भी हो। लो। और इस इंडियन आइडल शो में भी हो। कहाँ मिलेगी? इंडियन आइडल में।
मुझे तो नजर ही नहीं आती ऐसी लड़की, कहाँ मिलेगी? आदित्य जी आप इसीलिए शायद फ्लॉप हो गए एक्टिंग में, बहुत ओवर एक्टिंग जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और गाते भी बहुत मीठा, और अगर बंगाल से हो ना तो मजा आ जाए। चलिए यार हम लोग शो का मजा लेते हैं, चलो चलो खत्म यार, और देखनी थी यार ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई सीरियल देख। हाँ यार मजा आ रहा था, और वो आदित्य टांग सही खींच रहा था, पवनू की और अरुणिति की, और उसकी बहने भी मतलब एक्सप्रेशन दे रही थी उससे, पवनू से ज्यादा तो दे रही थी यार। आदित्य वैसे फ्लॉप क्यों हो गए वैसे एक्टिंग में यार, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी उनके ऑडिशन दिया। सिंगिंग में भी फ्लॉप यार, ऐसे ना बोलो उनको लगते नहीं हुआ तो है ना ऐसा, मैं मतलब कोई बुराई तो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा एक चीज में फ्लॉप हुए, अभी तो सक्सेसफुल है। हाँ अभी सक्सेसफुल है बस, लेकिन इनको होना चाहिए था ना, मैं ये कह रहा हूँ सिंगर अच्छे हैं बहुत और एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, बस सवाल है कि लव नहीं जला उधर इधर। और यहाँ तक कि उनकी वो मूवी भी बहुत अच्छी आई थी एक, कौन सी यार वो जिसका वो गाना था कभी ना कभी मिलोगे, कोई हॉरर टाइप मूवी थी, नहीं देखी हुई क्या, नाम क्या है यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हॉरर मूवी थी ठीक है, और आदित्य ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसमें, और ये आपको पता है चाइल्डहुड एक्टर भी हैं ये, बहुत फिल्म्स में आते रहे हैं एज अ चाइल्ड एक्टिंग करते रहे। मैंने ये नोट किया जो चाइल्ड एक्टर होते हैं ना वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ यार ये चीज मैंने कोई 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 होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते जो नहीं होते, जैसे आमिर खान चाइल्ड एक्टर थे, वरुण धवन चाइल्ड एक्टर थे वो भी, अबे मैंने तो नहीं देखा वो गायब हो गए थे बीच में, वो चाइल्ड एक्टर में आते हैं क्यों नहीं, जानवर मूवी में वो बच्चा था कौन था, अबे एक ही दफा है ना फिर बहुत दफा लेकिन ये कि हाँ ऐसे चाइल्ड रेगुलर नहीं, हाँ, रेगुलर आमिर खान रेगुलर थे बेटा। हाँ हाँ जी, और आमिर खान और ये भी जो रेगुलर चल रहा है क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ निगम, हाँ सिद्धार्थ वो भी चाइल्ड एक्टर, धूम में आए थे फर्स्ट धूम में, धूम 3 में आमिर खान के साथ बच्चा जो था, ओके वो भी है, ये भी मतलब कि ये इसमें फेमस हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो चाइल्डहुड में एक्टिंग करते रहे हैं, और पवनदीप की बात करो, पवनदीप कितना फाइनल कितनी दूर है आप लोग कमेंट करके बताएं, और आज थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देखने का मिला पवनदीप का, वरना ऐसे ही रहता है ना, हंसता है ना रोता है ना कुछ होता है। काफी अच्छी वीडियो थी, मजा आया, मजा तो काफी है, हमें ऐसा लग रहा था हम किसी रील का एपिसोड देखे इतना मजा आ रहा था, और एकदम से खत्म हो गया तो वो फिर थोड़ा बुरा लगा अच्छा लगा। और आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के बारे में सजेस्ट करें, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब हमें लाजमी कर देना। तो असद ने सॉफ्टवेयर लगाया जिससे इसको पता चलता है कि कौन सब्सक्राइब नहीं कर रहा कौन कर रहा है, तो कर देना, वरना ऐसे ही देखते हो यार आप लोग, क्या यार दिल टूट जाता है, दिल टूट सो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना